हनी सिंह भारतीय रैपर, संगीत निर्माता, गायक और फिल्म अभिनेता हैं। वो पहले एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हुआ करते थे और बाद में भांगड़ा प्रोड्यूसर बन गए। बाद में उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे और बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया और मशहूर गानों को रैप किया और बॉलीवुड के सबसे महंगे संगीत निर्माता बन गए। उनका सपना है कि वो एक दिन देश के लिए ग्रामी अवार्ड जीत कर लाएं। हनी का जन्म एक सिख परिवार में होशियारपुर पंजाब में हुआ था। उनका बचपन का नाम हृदेश सिंह है। उन्होंने यूके के ट्रिनिटी स्कूल से संगीत की पढ़ाई की थी। बाद में उनका परिवार दिल्ली आ गया था। वो इंग्लिश से ज्यादा अपनी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी और हिंदी में गाना पसंद करते हैं। उनके गाने युवाओं पर खासा प्रभाव डालते हैं और चार्ट बस्टर पर टॉप पर रहते हैं। वो कई कॉलेज फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म कर चुके हैं। उन्होंने डीजेइंग भी सीखी है। हनी सिंह फिल्म शक्ल पे मत जा में पहली बार गाए गए अपने डेब्यू सॉन्ग के बाद से नोटिस किए गए। उनका गाया हुआ गाना अंग्रेजी बीट सैफ अली खान की फिल्म कॉकटेल में भी दिखाया गया था। उन्हें 2013 के अंत में और ज्यादा ख्याति और पॉपुलैरिटी तब मिली जब बॉलीवुड की बिग बजट फिल्में जैसे चेन्नई एक्सप्रेस और बॉस में उन्हें गाने का मौका मिला। उनका लुंगी डांस लोगों की जुबान पर चढ़ गया। उन्होंने फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में भी अमिताभ बच्चन के साथ परफॉर्म किया और गाना भी गाया। छोटी बजट की फिल्में जैसे मेरे डैड की मारुति, बजाते रहो और फुगली में भी उन्होंने गाने गाए। उनके गाने काफी पॉपुलर हुए। वो 2014 में अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए और किसी भी प्रकार का कोई संगीत महीनों तक नहीं दिया। उनके गायब होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, मगर वो सब ज्यादातर फेक थे। उन्होंने 2015 फरवरी में बर्थडे बैश गाने के साथ वापसी की। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म मिर्जा से की थी। फिल्म में उनका कैमियो अपीयरेंस ही था, लेकिन उसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड मिला। इसके बाद वो एक और पंजाबी कॉमेडी फिल्म तू मेरा बाई मैं तेरा बाई में दिखाई दिए थे। जोरावर उनकी लीड रोल में पहली फिल्म थी। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अपना एक्टिंग डेब्यू फिल्म द एक्सपोज से शुरू किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। उनकी शादी शालिनी तलवार सिंह से हुई है। उन्होंने अपनी पत्नी को पहली बार ऑडियंस से इंडियाज रॉ स्टार टीवी शो के मंच पर सबके सामने इंट्रोड्यूस कराया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।